पूछिए, इसने क्यों नहीं बताया कोर्ट आने से पहले आपको? क्यों नहीं बोला कि दादा? एक सेकंड प्लीज, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। राजा मेरे बिना नहीं रह सकता था, प्लीज सुनिए तो। और ये बात मुझे पता चल चुकी थी, ऐसे में डैडा घर में घर चली जाती तो हो सकता था ना राजा फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। डैडा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर डैडा मैं क्या करती, बस राजा की सलामती के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। प्लीज डैडा समझिए। और डैडा, ऐसे भी अब जो होना था वो तो हो गया ना, सब नहीं बदल सकते, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे तुमसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी आसमा, तुमने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। आसमा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचा था कि ठीक करने के चक्कर में सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा। तुम हर बार फैसले जल्दबाजी में लेते हो, अब गलती मान के भी क्या हो जाएगा, जो होना था वो हो गया। आलिया की हुई मुंह दिखाई, आसमा ने चली बड़ी चाल। तो भाई हमने देखा एपिसोड में किस तरीके से जो आलिया है उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और जो आसमा और अरमान शक कर रहे थे ना कि आलिया कुछ ना कुछ खेल खेल रही है, यहाँ पर उसने राजा को फंसा लिया है, उसके संग शादी भी कर रही है, तो उनको लग रहा था कि कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है आलिया, क्योंकि ऐसे भाई किसी भी लड़के के साथ वो शादी नहीं कर सकती, और स्पेशली राजा के साथ जो कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। और हम देखते हैं कि भाई कोर्ट में दोनों इंतजार करते हैं वहां पर, अरमान और आसमा, और उन्हें लगता है कि आलिया तो अब आएगी नहीं और पागल बना रही थी, लेकिन भाई अचानक से आलिया आ जाती है और यहाँ पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं और उनकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है, आलिया और राजा की। और भाई आसमा और अरमान के तो होश उड़ जाते हैं, मतलब वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से क्या हुआ, और उनको विश्वास ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा और आलिया कुछ ऐसा करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी एक्चुअल में शादी हो जाती है। और फिर हम देख रहे भी जो घर वाले ना वो सारे रस्म रिवाज कर रहे हैं राजा और आलिया के साथ, यहाँ पर जो राजा है उसको मंगलसूत्र भी पहनाता है और चूड़ा भी पहनाता है। और फिर हम देखेंगे भाई किस तरीके से जो आसमा है उसके सामने सच आ जाता है। यहाँ पर आलिया बुलाती है उसको फोन कर कर, और वो सब कुछ बता देती है, आलिया अपनी पूरी प्लानिंग बता देती है, किस तरीके से मैंने जेल में सारी प्लानिंग की, और मैं तो भाई अरमान को कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर आसमा कहती है कि तुमने ऐसा कैसे किया, और तो आलिया कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं अरमान को ऐसे छोड़ दूंगी, अब तो मैं अरमान को तुमसे छीन कर ही रहूंगी और तुम जो कर सकती हो वो कर लो। यहाँ पर भाई आलिया ने चैलेंज कर दिया है आसमा को, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आलिया की मुंह दिखाई है। और राजा और आलिया यहाँ पर मंडप में बैठे हुए हैं, एक स्टेज है वहां पर बैठे हुए हैं, और सब लोग उनकी मुंह दिखाई करने आए हैं सारे लोग। तो भाई यहाँ पर जो आसमा है ना वो कुछ खेल करने वाली है, क्योंकि भाई जो आसमा है ना बड़ी अच्छी तरीके से बिहेव कर रही है, यहाँ पर उसको तैयार भी करती और उसको चूड़ियां पहनाते समय बोलती भी है कि अब तुम इंतजार करो भाई, अब तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अब देखो आगे आगे क्या होता है। तो यहाँ पर आलिया थोड़ा सा परेशान हो रही है, और हम देख रहे हैं कि राजा की वो नजर भी उतारती है, आलिया की नहीं उतारती है, वो कहती है कि भाई आलिया की तो नजर लगने वाली है राजा को, तो वो यहाँ पर नजर उतार रही है। और आलिया यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान है कि भाई अब क्या होगा, और अब आसमा का क्या स्टेप होने वाला है, वो क्या बड़ी प्लानिंग करने वाली है।